चलिए सबसे पहले अमित जी के पास ही चलते हैं और करेंसी मार्केट का रुख जानते हैं। सर आपने कहा था कि रुपए में ये मजबूती और दिखेगी और उसी तरह से रुपए में ये मजबूती दिखनी शुरू हो गई है, ये कहां तक एक्सटेंड होती दिख रही है? सर लास्ट वीक जब अपने साथ अपन जुड़े थे थर्सडे को, तब रुपया जो था 82.5 चल रहा था। तब अपन ने बात किया था कि रुपया जो है मजबूत होना चाहिए। उसके तीन रीजन होंगे मजबूत होने के। पहला रीजन ये था कि डॉलर इंडेक्स नीचे है, कच्चा तेल नीचे है, चाइनीज करेंसी भी अप्रिशिएट हो गया है, तो ये सबको देख के लग रहा था कि भाई अपना भी करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए। आज जो रुपया 82.20 के आसपास चल रहा था मॉर्निंग पे, आज वो 81.80 के आसपास बन हुआ। ये जो 40 पैसे की गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो SBI था, ऐसा मार्केट में न्यूज है कि SBI 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रहा है, उसकी वजह से कुछ इनफ्लो आए थे, वहां पे एक जो लॉन्ग जो थे वो ट्रिगर हुआ, 82 के नीचे आया। सेकेंड रीजन था कि बॉस RBI जो था आज पूरे दिन पे हमको दिखा नहीं। RBI ने कहा कि बॉस लेट द इनफ्लो कम एंड देर वॉज नो बायर बाइंग फ्रॉम द RBI साइड, ये दूसरा रीजन था। और थर्ड, जितने भी लोग लॉन्ग थे वो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो 81.80 के आसपास आया है। अब मार्केट के अंदर में फैक्टर्स देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों पे इसका यहाँ से जो पहला टारगेट होगा वो 81.50 का होगा, उसके बाद में 81.50 टूटेगा तो फिर ये 81 और 80.80 के तरफ मूव कर सकता है। अगले जो मूव होगा ये 81.80 से 81 का, उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकते हैं जो थर्सडे को US का CPI का डेटा आने वाला है। हमको लगता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो नीचे के स्तर पे आएगा, फिर डॉलर इंडेक्स में हमको और करेक्शन दिखेगा। अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन दिखता है हमको थर्सडे को, तो फिर रुपया जो है और भी स्ट्रांग होगा, ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। दूसरा, मार्केट में कुछ इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि RBI ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहा है जो करीब करीब 8,000 करोड़ का होगा, तो हमको लगता है कि उसमें भी कुछ पैसे आएंगे। सेकेंड, अभी हम जैसे जैसे बजट आएगा वहां पे एक एक्सपेक्टेशन बनेगी कि क्या वो जो बॉन्ड मार्केट को ओपन अप करने की बात है वो ओपन अप होगा कि नहीं, टैक्स का रिफॉर्म आएगा कि नहीं, तो उसकी वजह से भी कुछ इनफ्लोस आ सकते हैं। थर्ड, 20,000 करोड़ का अदानी की जो मेन कंपनी है वो FPO लेके आ रही है, तो उसमें भी कुछ हमको इनफ्लोस दिखेंगे। कल IDBI पे भी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो सब अगर पैसे अगर आते हैं तो रुपये के अंदर में दबाव बना रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 81.50 और 81 जाए। कोई भी एक्सपोर्टर है उनके लिए एक ही मंत्र है, उनको कवर करके रखना पड़ेगा। इम्पोर्टर जो है जब रुपी 81.50 के आसपास में आता है तब वो 5 से 10 दिन का इम्पोर्ट बाई कर सकते हैं। मिड टू लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट के लिए उनको 81 और 80.80 के लिए वेट करना चाहिए। यानी यहाँ से भी रुपए में अभी और मजबूती आने वाले समय में दिख सकती है, ऐसा अमित जी मानते हैं। अमित जी ने पहले भी बताया था कि 82 के नीचे रुपया आ सकता है और देखिए रुपए में किस तरह के, और आगे भी जिस तरह के संकेत बन रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, रुपए में और मजबूती दिख सकती है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला, पूरी एनालिसिस समझा दी, क्या करना चाहिए एक्सपोर्टर्स को, क्या इम्पोर्टर्स को करना चाहिए और किस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिल रहे हैं फिलहाल रुपए की चाल को लेकर।